हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो आज का हमारा जो वीडियो बनने वाला है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक पर बनने वाला है, खासकर जिनके पास रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है। जो लोग रेड ईयर स्लाइडर को पालते हैं उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है ये। और जो लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं कि खरीदने का, पालने का रेड ईयर स्लाइडर टर्टल, तो उनके लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इनके बारे में एक मीत ये है कि काफ़ी सारे लोग इन्हें सिंगापुरी टर्टल्स के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इनका जो ओरिजिन है वो मिसिसिपी रिवर और गल्फ ऑफ मैक्सिको वहाँ का है, मतलब कि साउथ ईस्टर्न यूएस। तो आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है रेड ईयर स्लाइडर को लगने वाला सेटअप। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा सेटअप। हमने ये सेटअप किस तरह से बनाया वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक ये एस हुक है, उसको हमने ये कर्टन रॉड के यहाँ पे टांग दिया है। और यहाँ पर एक डोरी की मदद से ये एक वुडन स्टिक है, उसको यहाँ पे बांध दिया है ताकि ये हिले ना। और उसके एकदम आगे का पोर्शन पे यहाँ पर और एक डोरी से इस तरीके का ये हुक आता है, ये कर्टन हुक है, वो टांग दिया ताकि जो ये वायर है वो हिले ना इसके लिए। और यहाँ पे है वायर, और उसके नीचे है ये हमने कार्डबोर्ड और ये यूज एंड थ्रो वाले जो प्लेट्स आते हैं उसकी मदद से यहाँ पर हमने दो लैम्प की तरह बनाया है ताकि जो लाइट है वो डायरेक्ट नीचे जाए, इसके लिए फोकस अच्छा रहे उनका नीचे, इसलिए वो ऐसा हमने बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने दो बल्ब लगाए, एक रेगुलर बल्ब है, ये जो बल्ब है ये रेगुलर बल्ब है 40 से 60 वैट का, और ये सीएफएल ट्यूब है, ये है 14 वैट की। अभी क्या हुआ कि सीएफएल का प्रोडक्शन बंद हो गया, सरकार ने बैन कर दिए सीएफएल को। तो अभी आज के दिनों में अगर आप लेने जाओगे मार्केट में तो आपको ये नहीं मिलेगी, किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा रहेगा तभी आपको ये मिल सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन है कि आप ये एलईडी बल्ब अभी आने लगे हैं मार्केट में, तो ये आप ये यूज़ कर सकते हो सीएफएल की बल्ब की जगह पे। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा यूवी रेज कम रहता है, बट रहता है, लोग बोलते हैं कि इसमें नहीं रहता, बट थोड़ा सा बोलते हैं ना परसेंटेज ऑफ यूवी रे इसमें भी रहता है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है इसके मुकाबले। तो उसके बाद आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर कुछ पत्थर रखे, ये इसलिए रखे ताकि जो हमारा टर्टल है वो उसके ऊपर जाके बैठे और ये जो लाइट्स है वो उनको मिले। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक टब लिया हमने। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको आपके रेडियर स्लाइडर को देना पड़ेगा, और ये बहुत रीजनेबल है। अभी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमने जैसे किया वैसे ही आप करो, मतलब आपका जो भी मतलब रहेगा एटमॉस्फेयर घर का उसके मुताबिक आप उसमें चेंज बदलाव करो। अभी पहले जो हमारा सेटअप देखा होगा आपने तो वो थोड़ा अलग था, मतलब सेटअप ऐसे ही था, सिर्फ एडजस्टमेंट हमारी थोड़ी अलग थी। और अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है घर का, जो मतलब ये अभी खिड़की है और इधर एक कर्टन है, उसका कर्टन रॉड है, तो उसकी मदद से हमने थोड़ा इसको ऐसा लटका दिया है लाइट्स को। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ इसमें मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, खाली इसमें दो बल्ब चाहिए, एक नॉर्मल बल्ब अपना रेगुलर ये वाला, और ये सीएफएल। अगर सीएफएल नहीं है आपके पास तो एलईडी ये भी चल जाएगा, ऐसा है, देख लीजिए आप।
और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेटअप आप करते हो तो आपका कछुआ बहुत ही मतलब एनर्जेटिक रहता है और उसको कोई बीमारी भी नहीं होती, बहुत हेल्दी रहता है। ये देखो कितना एक्टिव है ये। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि ये मतलब दो बल्ब क्यों लगाया हमने, एक ही क्यों नहीं लगाया, और बल्ब लगाया भी क्यों लगाया है, लगाना ज़रूरी है बल्ब कि नहीं ज़रूरी है। तो इसका मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि ये जो रेड ईयर स्लाइडेड टर्टल होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं, जो कि मतलब इसका मतलब ये है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, मतलब कम ज़्यादा नहीं कर सकते हमारी तरह, तो उनको ना एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत रहती है। और एक्चुअली ये जानवर है तो जानवर एक्चुअली घर में तो पाए नहीं जाते, वो तो नेचुरल सोर्सेस में पाए जाते हैं, वो हम लोग अपने शौक के लिए या फिर हमें अच्छा लगता है इसलिए हम लोग उनको घर पे ले आते हैं। बट हमारा ड्यूटी क्या होता है कि उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके, अच्छे से हेल्दी रह सके। तो अभी ये कोल्ड ब्लडेड है तो बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, तो उनको बाहर वो सनलाइट से अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, मतलब। और ये ज़रूरी भी है उनके लिए क्योंकि ये जो रेड ईयर स्लाइडेड टर्टल है ये 50% पानी में और 50% ज़मीन पर रहने वाले टर्टल है। तो होता क्या है, ये अगर समझो इनका टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर कम करने के लिए पानी में जाते हैं, और पानी में समझो बहुत देर पानी में रह के उनका टेम्परेचर डाउन हो गया तो टेम्परेचर को वापस एक लेवल तक लाने के लिए वो सूरज की रोशनी में बैठ जाते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि पानी जितना देर वो पानी में रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पानी में तो रहना ही है उनको और ज़मीन पर भी रहना है, पर 50-50%। अगर पानी में समझो बहुत देर तक रहे तो इससे क्या होगा कि उनका जो शेल है वो नरम पड़ने लगेगा और उस पर एल्गी जमा होगी, और उसके वजह से क्या होगा कि बहुत सारे पैरासाइट्स उनके शेल पर पनपने लगेंगे, तो वो उनके लिए एक्चुअली इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। तो वो अपनी मतलब क्या बोलते हैं, अपना प्रोटेक्शन कैसे करते हैं अपने शेल का, सूरज की रोशनी में बैठ के। और इनकी इसी प्रक्रिया को मतलब कि धूप में बैठने की प्रक्रिया को बास्किंग बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि हमारी मौली अभी कर रही है। ये बल्ब उसके लिए सनलाइट का काम कर रहे हैं। अभी आपको मालूम चला होगा कि हमने ये दो बल्ब क्यों लगाए, क्योंकि ये दोनों बल्ब की रोशनी मिलके सनलाइट का काम करती है। और उसके बाद आपको अभी मतलब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये पत्थर क्यों रखे हैं यहाँ पर। तो ये पत्थर इसलिए कि जो हमारा कछुआ है, जो हमारा टर्टल है, वो उसके ऊपर आके बैठे। अगर ये आप नहीं रखोगे तो कुछ ये लाइट का कुछ फायदा नहीं होगा, ये आपको रखना पड़ेगा ताकि आपका कछुआ वो पत्थर के ऊपर आके बैठे। जैसे अभी हमारी मौली बैठी है, देखो एकदम वो पानी के ऊपर मतलब सूखी जगह पर बैठी है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस वीडियो में तो आपको पता चलेगा, थोड़ा पॉइंट आउट करना होगा। ये देखो यहाँ पर पानी यहाँ तक है और मौली बैठी यहाँ तक, और उसका आप शेल देख सकते हो पूरी तरह से सूखा है। इस तरह से ही होना चाहिए, मतलब आपका कछुआ पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे करता है पानी में, और जो मतलब पत्थर रखा है जो आपने उनके लिए जमीन पर, इन शॉर्ट। हाँ। तो अभी आपको आइडिया आया होगा कि हमने यहाँ पे ये पत्थर क्यों रखे, ताकि हमारे टर्टल्स उस पे बैठ के बास्किंग कर सके। बास्किंग से तो उनका शेल की जो हेल्थ है, मतलब उनकी हेल्थ है, वो अच्छी रहती है। और उसका और एक फ़ायदा होता है जो कि है विटामिन डी। अब आप लोगों को पता ही होगा कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी रहता है। जैसे हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है वैसे जानवरों को भी होती है, वैसे इनको भी है। उससे होता क्या, मतलब उसका फ़ायदा क्या है एक्चुअली विटामिन डी का? तो उसका फ़ायदा ये है कि
आप अपने टर्टल को जो भी खाना देते हो एकदम अच्छा क्वालिटी का जो भी मतलब खाना देते हो उनको, उनमें कैल्शियम रहता है, तो वो उस कैल्शियम को अपने बॉडी में एब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो इस रोशनी से वो विटामिन डी भी उनको मिल जाता है, क्योंकि ये जो दोनों बल्ब की रोशनी सूरज की रोशनी का काम करती है, तो इस तरह से उनको विटामिन डी भी मिल जाता है, जिससे वो अपने कैल्शियम को मतलब खाने में मिलने वाले कैल्शियम को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। तो अभी आपको पता चला ही होगा कि रेड ईयर स्लाइडर टर्टल को किस तरीके के सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। यह सेटअप तो आपको करना ही पड़ेगा घर पे, पर आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 से 3 बार आप अपने टर्टल को नेचुरल सनलाइट प्रोवाइड कर सको। देखो मौली कैसे बास्किंग के मजे ले रही है, एकदम आराम से बैठी है पत्थर पे और सनलाइट को मतलब कि इन बल्ब से निकलने वाली रोशनी को बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये चीज़ें होती है टर्टल से रिलेटेड थोड़ी केयर करने की, कि उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे सके हम लोग। ये सेटअप तो हमारा है ही, पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भी टर्टल मतलब जितने भी टर्टल्स हैं, 4 टर्टल्स हैं हमारे पास, तो हम वन बाय वन मतलब आज एक को नेचुरल सनलाइट में लेके गए तो अगले दिन दूसरे को लेके जाते हैं, फिर तीसरे दिन किसी दूसरे को लेके जाते हैं, तो हम लोग जैसे भी मतलब पॉसिबल रहता है हमें, हम लोग हर एक कछुए को नेचुरल सनलाइट भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर नहीं कर पाए मतलब किसी कारण, तो अपना ये सेटअप तो है ही। और हाँ, और एक मतलब ज़रूरी बात, अगर समझो आपने अपने टर्टल्स को बहुत मतलब दिनों से पानी में ही रखा है, मतलब उनके लिए कुछ बास्किंग एरिया मतलब जैसे मैंने यहाँ पे पत्थर रखे हैं, अभी ये मौली जहाँ पे बैठी है वो उनका बास्किंग एरिया हो गया, क्योंकि वो वहाँ बैठ के बास्किंग कर रही है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है अपने बॉडी में, बराबर। तो कोई कोई लोग क्या करते हैं कि ये पत्थर वगैरह रखते नहीं और खाली पानी पानी ही रखते हैं, तो उस पानी में वो बैठे रहते हैं उनके कछुए। तो इससे क्या होता है, अगर आपका कछुआ पानी में ही रहता है तो उससे उनका जो बॉडी का टेम्परेचर वो कम होता है, और आगे जाके क्या होता है वो हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन मतलब कि वो सोता है, बस उसका दिल काम करता है, बाकी बॉडी पूरी तरह से सुस्त हो जाती है, हिलता डुलता नहीं, खाता नहीं, कुछ भी नहीं करता, तो ये और भी बुरी चीज़ है। और उसमें भी अगर आपके कछुए को कुछ इन्फेक्शन हो गया तो आप उसको लाइन पे नहीं मतलब जो नॉर्मल नहीं कर सकते, लाइन पे नहीं ला सकते, और आप आपके कछुए को खो भी सकते हो। तो आप अगर अपने कछुए से थोड़ा प्यार करते हो तो ये सेटअप करना ही करना है। ये जो चीजें हैं मतलब जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, किसी का सुन के नहीं बता रहे, एक्चुअली हमने ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब हमारा एक टर्टल इसकी वजह से ऑफ हो गया था, जो कि कोको के साथ लाए थे हम लोग, जो कि 7 या 8 महीने के बाद ही वो ऑफ हो गया, उसको आँख का प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी आँख फूल गई मतलब सूज जाती है, हाँ, इन्फेक्शन हो गया था उसको आँखों में, तो और उसमें भी वो मतलब उसने खाना पीना छोड़ दिया था और उसकी वजह से वो ऑफ हो गया था। तो ये जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमने उस टाइम पे जो फील किया है, जो भी वो खराब एक्सपीरियंस था, वो आप लोग ना करें, इसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो या मतलब ये जो सेटअप है, आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और
शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिनके पास टर्टल्स है किसी को पता नहीं होता, जैसे कि हमें पहले पता नहीं था। हाँ, मतलब हमने थोड़ी R&D की इस बारे में, कि मतलब थोड़े बहुत मतलब R&D करनी ही पड़ती है अगर आप कुछ नई चीज़ करते हो लाइफ में, तो डायरेक्ट एकदम मतलब ये नहीं करते ना, अप्लाई नहीं करते कोई भी चीज़ को, वो थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन लेते हो इधर उधर से, आप थोड़ा एक्सपीरियंस करते हो, और फिर जो भी नतीजा सामने आता है वो दूसरों से शेयर करते हो। तो यही सब चीज़ें हुई है हमारे साथ जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और हमारा ये वीडियो बनाने का कारण भी वही है कि जो हमने एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मतलब बुरा एक्सपीरियंस किया है वो वाला, क्योंकि हम लोग इनको लाते हैं वो मतलब वो चीज नहीं है, वो एक क्या बोल सकते हैं, एक जान है उसके। हाँ, उसको घर पे लाने के बाद हम लोग उनका इतना केयर करते हैं, उसके बाद अगर उसको कुछ हो जाता है तो बुरा लगता है। तो ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि और किसी के साथ ये ना हो। हमें तो मतलब बहुत रोना आया था जब हमने लिटरली रोए थे, मतलब बहुत रोए थे, बहुत आंसू निकले थे हमारे, जब हमारा जो कीटो था, मतलब इसके बराबर का जो कछुआ था कोको के बराबर का, उसका पार्टनर कीटो था। तो हम लोग उसका इमेज डाल देंगे इस वीडियो के अंत में, आप देख लेना, थोड़ा वीडियो भी उसके डाल देंगे, एक दो छोटे वीडियो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मस्त है एकदम, वो भी एक्टिव था, बट एक्चुअली वो कोको से भी बहुत प्यारा था। हाँ। वो तो मतलब कोको जितना हमारे पास आते उससे भी ज्यादा वो हमारे साथ रहता था, मतलब हम लोग ऐसे बैठेंगे तो हमारे आजू बाजू ही घूमता था कोको से भी ज्यादा। तो मतलब बुरा लगता है, इसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया, ताकि और कोई ये ना हाँ, मतलब जो भी हमने अपनी गलती से सीखा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप वो गलती ना करो। तो मतलब वही है कि आप जितना शेयर करोगे उतना हेल्प होगी किसी और को ये वीडियो, मतलब अगर आप शेयर करते हो तो बेचार मतलब किसी और के साथ ये ना हो, यही हमारा मोटिव है ये वीडियो बनाने का। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर मतलब कुछ और मिस हुआ होगा, होता ही है, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो हमें। मतलब आपके पास जो भी अलग इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हमारे साथ आप शेयर करो कमेंट्स में लिख के, और आपके जो भी डाउट्स है वो भी आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारा चैनल। और हाँ, एक बात आने वाले वीडियो के बारे में बताना। हाँ, जरा अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर बस मौली है, टर्बो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी टर्बो नहीं दिख रहा है। तो टर्बो यहाँ पर क्यों नहीं है, उसका वीडियो मतलब वो रीजन हम लोग किसी मतलब जल्दी डालेंगे, उसके ऊपर वीडियो जल्दी बनाएंगे। मतलब इन दोनों को अकेले क्यों रखते हैं? हाँ, मतलब मेन मुद्दा इन दोनों का है। ये दोनों तो बड़े हैं, मतलब कैंडी तो बहुत बड़ी है, उसके साथ किसी को छोटे को नहीं रख सकते। कोको भी मतलब एज में छोटी है, बट ऐसा देखोगे तो मतलब ऑलमोस्ट इस साइज में वो पहुंच चुकी है अभी 1.5 साल में। अभी मेरे ख्याल से 1 साल और 7 महीने हो गए होंगे ना इसको। हाँ। 1 साल 7 महीने, फिर भी वो देखो मतलब कितनी बड़ी लग रही है। तो एक्चुअली हम लोग इन छोटों को इन बड़ों के साथ नहीं रख सकते, तो इसमें हम उन दोनों को रखते हैं, मतलब किसको, मौली को और टर्बो को। तो फिलहाल अभी टर्बो नहीं है इसमें, उसका रीज़न है जो हम लोग वीडियो में ही आपको बताएंगे, उसका वीडियो बना के ही दिखाएंगे, मतलब समझाएंगे कि क्यों हम लोग अभी पहले रखते थे एक साथ दोनों को, टर्बो और मौली को, बट अभी नहीं रख रहे। उसका एक स्ट्रांग रीज़न है, वो मतलब हमें करना ही पड़ता है वैसा, अभी अगर नहीं किया तो बहुत बुरा भी हो सकता है, इसलिए हम लोग अभी सेपरेट रखते हैं उनको, एक को बाहर और एक को अंदर, अल्टरनेटिव मतलब उससे भी प्रॉब्लम होती इसके लिए रख रहे हैं। तो वो क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, मतलब बनाएंगे तब हम लोग। हाँ, मतलब ये टर्टल वीडियो लॉग है ना, इस प्लेलिस्ट में वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो वही बनाएंगे कि क्यों हमने टर्बो को बाहर और मौली को अंदर रखा है, और क्यों हम इनको अल्टरनेट चेंज करते हैं, एक को बाहर और एक को अंदर। ऐसा अभी दोपहर मतलब अगली दोपहर तक, अगले दिन के दोपहर तक मौली इसमें रहेगी, और उसके बाद दोपहर में इसमें टर्बो आएगा, वो रात तक रहेगा। ऐसा तो ऐसा हम लोग अल्टरनेट चेंज करते हैं, अल्टरनेटिव। तो वो क्यों करते हैं
वो अगर जानना है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, और हमारे टर्टल्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देना उनके लिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और इनकी मस्ती अगर एंजॉय करना है तो भी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इनकी मस्ती बिल्कुल भी मिस ना हो। तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जब बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं ऐसे अच्छे से ब्लॉग के साथ या टर्टल ब्लॉग के साथ या इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडी खुन्नस से देख रही है, क्योंकि रात के बाद कितने बजे हैं, 2:30 बज चुके हैं। हम लोग 2:30 बजे ये वीडियो बना रहे हैं, उसको सोना है और वो एकदम खुन्नस से देख रहे, नाक से देखो कैसे हवा निकल रही है। लाइट बंद कर रहे हो कि नहीं? तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।